नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। आज हम क्राइम पोस्ट में आपको बताएंगे कि कैसे नक्सलवाद शुरू हुआ और जो आज घातक बन गया है। पहली हत्या कहां हुई थी और इसके जनक कौन थे। नक्सलवाद देश के लिए आज एक बड़ी समस्या बन गया है। जैसे आतंकवाद से देश के जाबाज बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, ठीक वैसे ही देश के अंदर उग्रवादियों से सुरक्षा बल का सामना हो रहा है। लेकिन आज हम आपको इसके शुरुआत में लेकर चलते हैं कि आखिर नक्सलवाद पूरे देश में कैसे फैला, जो आज एक बड़ी समस्या बनकर रह गया है। इसका जनक कौन था और इसकी संगठन जो नक्सलवाद है, इसका नींव किसने रखा था। नक्सलवाद के जनक के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। नक्सलवाद का जनक चारू मजुमदार को बताया जाता है। चारू मजुमदार बड़े जमींदार परिवार से थे, लेकिन मजदूर और किसानों पर जमींदारों का जुल्म होता देख जमींदारों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत इन्होंने किया था। इस आंदोलन की शुरुआत किसानों के हित को लेकर मजुमदार ने किया। नक्सलवाद कम्युनिस्ट के आंदोलन का नाम था, जो आज कई राज्यों के लिए नासूर बन गया है। सन 1937-38 में मजुमदार अपनी पढ़ाई छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। संगठन में शामिल होने के बाद वह मजदूरों को संगठित करने में लग गए। इसके बाद मजुमदार सीपीआई पार्टी के किसान मोर्चा में चले गए। सीपीआई में जाने के बाद कई किसान के मुद्दे को लेकर वह आवाज बुलंद कर रहे थे। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत थी, जिसे लग रहा था कि अगर लोग इकट्ठा हुए तो उनकी जो सल्तनत है भारत में उसके लिए घातक होंगे, क्योंकि एक और आजादी की लड़ाई भी चल रही थी। इसे देखते हुए अंग्रेजों ने मजुमदार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। वारंट जारी होते ही मजुमदार कुछ महीनों तक भूमिगत हो गए, लेकिन अपने विचार और अपने संदेश अपने लोगों को देते रहे और आंदोलन को जो है वह धार देते गए, आवाज उठाते गए। बात 1947 का वक्त था जब देश आजाद हो गया, लेकिन मजुमदार अब भी अपने आंदोलन को रोक नहीं पाए थे। जहां भी किसानों की समस्या के बारे में इन्हें जानकारी मिलती थी, वह वहां पहुंचकर आंदोलन को धार देते थे। इस बीच 1954 में जलपाईगुड़ी में एक आंदोलन के दौरान ही एक साथी सदस्य लीला से उन्हें प्रेम हुआ, जिसके बाद वह प्रेम बंधन में बंधे और आखिरकार इस दौरान शादी जो दोनों की थी वो भी हो गई। काफी दिनों तक शादी के बाद मजुमदार जलपाईगुड़ी में रह रहे थे। इस दौरान वहां पर कई बड़े आंदोलन का शंखनाद किया। इसके बाद किसानों की मुद्दे को लेकर 25 मई 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी में जमींदारों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन की जानकारी जैसे ही चारू मजुमदार को मिली, वह वहां पहुंच गए, लेकिन यहां जमींदारों ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर पुलिसिया कार्रवाई से किसानों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का दबाव बढ़ता देख चारू मजुमदार ने आंदोलन को रुकवाने पहुंचे एक इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया था। बताया जाता है कि देश में यहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई। इसे लोग यह भी कहते हैं कि देश में पहली जो नक्सलियों ने मर्डर किया था, हत्या की थी, यहीं पर हुआ था। इस घटना के बाद ठीक दूसरे दिन 26 मई को भारी संख्या में पुलिस पहुंचकर किसानों को गोलियों से भून दिया, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों घायल हुए थे। इसके बाद से नक्सलवाद आंदोलन रुका नहीं, बल्कि और जोर पकड़ने लगा। इस दौरान चारू मजुमदार की मुलाकात भी कानू सान्याल और जंगल सांथाल से हुई। तीनों की विचारधारा मिलती जुलती थी। तीनों का मानना था कि सत्ता बिना हथियार के दम पर हासिल नहीं की जा सकती। नक्सलवाद आंदोलन का नेतृत्व तीनों ने मिलकर किया। किसानों पर पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। इस बीच 1972 में पुलिस ने मजुमदार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद कोलकाता के लाल बाजार थाने में रखा गया था। इस दौरान मजुमदार को पुलिस ने इतना टॉर्चर किया और उस पर जुल्म किया, उसकी चीख पुकार सड़कों पर सुनाई दे रही थी थाने से बाहर। आखिरकार उसने 28 जुलाई 1972 को लॉकअप में ही दम तोड़ दिया, अंतिम सांस ली। इस मामले में भी बताया जाता है कि पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया था। रसूखदारों और किसान के जो जमींदार थे, जिनके खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा था और उन्हें डर था कि मजुमदार जब तक रहेगा उन्हें जो है आंदोलन वह रोक नहीं पाएंगे, और बिना केस किए ही मजुमदार को थाने में शिफ्ट करा दिया था पुलिस के दबाव में। मजुमदार की मौत के बाद से संगठन को आगे इनके साथी और इनकी पत्नी लेकर गई। मजुमदार की मौत मानो एक जो घी आग में घी डालने का काम हुआ, और उसके बाद लोगों की भावना इनके साथ जुड़ती चली गई और नक्सलवाद आंदोलन पूरे देश में फैल गया।
लेकिन अब नक्सलवाद अपने सिद्धांतों से भटककर दूसरे राह पर चल रहा है। संगठन में ही असमानता और लूट खसोट शुरू है। जो संगठन किसानों की बात करता था, वह अब लेवी वसूलने में तक सीमित रह गया है। वही संगठन है जो कभी जमींदारों के जुल्म और बड़े लोगों के जुल्म जब किसानों पर होते थे कि उनकी जमीन की पैदावार किसान करते थे लेकिन उसका अधिक हिस्सा जमींदार दबाव में ले लेते थे, तो इसके खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन आज हम देखें तो सिर्फ आंदोलन विकास कार्य को प्रभावित करने के लिए है। जिस लोगों के लिए दलित शोषित और किसानों के लिए यह नक्सली लड़ाई लड़ते थे, आज वही तमाम जो विकास कार्यों से महरूम हो गए। जहां पर भी अभी नक्सलवाद सक्रिय है, नक्सली संगठन सक्रिय है, वहां विकास की किरण नहीं पहुंच पा रही है, वहां आज भी नक्सलियों का साम्राज्य चल रहा है। हालांकि पुलिस भले ही कार्रवाई कर रही है और नक्सलवाद को खत्म करने में लगी हुई है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। हम आपको इससे जुड़ी और भी कहानियां और भी अपडेट लेकर जल्द आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।